गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हम लोग चर्चा किए थे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अगले टॉपिक पर चलने के पहले फिर हम दो मिनट उसको रिवाइज कर देते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या हम लोग पढ़े थे, क्या समझे थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हम लोग क्या समझे थे, एक बार फिर इसको हम चर्चा कर लेते हैं। कल आपको बताया गया था कि यदि कोई दो वेक्टर दिया गया है, मान लीजिए यह कोई वेक्टर है, यह कोई वेक्टर है, तो वेक्टर यह जो है इसका यह पोर्शन कहलाता था टेल, याद आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते थे टेल, और इसको क्या कहते थे हेड, और यह पूरा जो भाग होता था यहां से यहां तक यह क्या है मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी लंबाई है, लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, यह पूरा यहां से यहां तक क्या इसकी लेंथ है, लंबाई है, यह जो है पॉइंट टेल है और यह पॉइंट हेड है। तो सपोज मान लीजिए कोई वेक्टर दिया गया है कि यह है वेक्टर ए और यह हो गया इसका टेल और यह हो गया इसका हेड। फिर कोई दूसरा वेक्टर बी दिया गया हो, कोई दूसरा वेक्टर जो है बी दिया गया हो, बी, तो वेक्टर बी के लिए यह इसका टेल है और यह भाग जो है इसका हेड है, क्या कि यह इसका टेल है और यह इसका हेड है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि एक वेक्टर को ऐसे सेम ऐसे रख दो, पहले वेक्टर को, पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर के क्या रखना है टेल को रखना है, इसको ला करके यहां रख दो, जो यहां रिजल्टेंट होगा यानी त्रिभुज का जो तीसरा साइड होगा, यह तीसरा साइड क्या सूचित करता है इस दोनों के योगफल को, यानी मान लीजिए और इसका साइड उल्टा होना चाहिए, यानी अगर इसका नाम देते हैं वेक्टर ए, इसको बोलते हैं वेक्टर बी, और इसको बोलते हैं वेक्टर आर, वेक्टर आर। तो कल हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में पढ़े थे, त्रिभुज के योग नियम में पढ़े थे कि यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता है, यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो और वह सेम सेंस में हो, यानी वह क्या हो सेम ऑर्डर में लिया गया, या यहां से ऐसे चल रहा है या यहां से नहीं, इनका ऑर्डर सेम हो, तो जो तीसरा साइड होता है तीसरा साइड वह इसके रिवर्स ऑर्डर में होता है। रिवर्स का मतलब है कि यह यहां से ऐसे आया या यहां से ऐसे आया, तो यह ऐसे ना आकर के यह जस्ट इसके अपोजिट यानी रिवर्स में जा रहा है। तो यह जो तीसरा साइड होता है यह क्या सूचित करता है इस दोनों के रिजल्टेंट को, तो रिजल्टेंट कहने का मतलब ये दोनों के योगफल को, यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से इसको क्या लिखेंगे वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यह बात कल हम लोग पढ़े थे, आपके दिमाग में भी यह बात होगी। अब यहां से आपने देखा, फिर कल हम लोग इसी चीज को ऐसे भी चर्चा किए थे कि मान लो इसको ऐसे भी तो हम समझ सकते हैं, यह कोई वेक्टर ए है और हमको क्या करना है कि जो दूसरा वेक्टर है उस दूसरे वेक्टर के क्या थी टेल को इसके हेड पर रखना है। तो मान लीजिए दूसरा वेक्टर यह है, यानी दूसरा वेक्टर था उसके टेल को पहले वेक्टर के हेड पर रख दिए, तो मान लीजिए इसका नाम देते हैं वेक्टर एम, इसका नाम हो गया वेक्टर एम, तो जो तीसरा साइड होगा तो यह यहां से ऐसे आया यह यहां से ऐसे आया, तो यह ऐसे ना आकर के इसका साइड क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। और मान लीजिए इसका नाम दे देता है वेक्टर सी, तो देखिए तो यदि कोई दो जो सदिश है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता है और वह सेम ऑर्डर में हो, यह यहां से यहां आया है यहां से यहां आया है, तो जो तीसरा साइड होता है वह दोनों के योगफल को बताता है और इसका दिशा जो है इसका ऑर्डर रिवर्स होता है। इसको यहां से क्या लिखेंगे, यानी यहां से लिखेंगे
वेक्टर सी बराबर वेक्टर एम प्लस वेक्टर ए, यह सब बात जो है कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर इसी में हम लोग चर्चा किए थे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। फिर एक बार इसको सुन लीजिएगा, यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो और वह सेम ऑर्डर में हो तो जो तीसरा भुजा होता है वह दोनों के जोगफल को बताता है, और वो जो तीसरा साइड होता है वह उसका ऑर्डर जो होता है रिवर्स ऑर्डर होता है, उल्टा होता है। फिर हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। कल हम लोग देखे थे पूरा 40-45 मिनट इस चीज पर हम लोग एक एक पॉइंट पर चर्चा किए थे। पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे कि यदि कोई दो कोइनिशियल वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजा को बताता है, एडजेसेंट साइड को बताता है, यानी यदि कोई दो कोइनिशियल वेक्टर, तो मान लीजिए फिगर आप थोड़ा अपने से अच्छा से बना लीजिएगा, यह कोई बिंदु सपोज मान लीजिए इसका नाम देते हैं हम ओ, तो यहां से कोई दो वेक्टर निकल रहा है, यानी दो कोइनिशियल वेक्टर हो गया। मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज बना देते हैं, तो हम लोग कल पढ़े, मान लीजिए इसको देते हैं नाम ए, इसका नाम हो गया बी और इसका नाम हो गया सी, ओ ए बी सी। तो कल हम लोग पढ़े थे, तो मान लीजिए यह इस डायरेक्शन में, भी इस डायरेक्शन में, या ऐसे रहते भी ऐसे, मान लीजिए इसका नाम यहां ए देते हैं तो नॉर्मल तौर पर ये भी यहाँ ए होगा, यह यहाँ पर बी देते हैं इसको भी यहाँ पर बी। और कल क्या पढ़े थे समानांतर चतुर्भुज के योग नियम में क्या पढ़े थे, यानी यदि कोई दो कोइनिशियल वेक्टर जो एक ही बिंदु से निकलता है, यदि कोई दो कोइनिशियल वेक्टर किसी समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को सूचित करता है तो इसी इनिशियल पॉइंट इसी बिंदु से निकलने वाला जो डायगोनल होता है वह डायगोनल इन दोनों भुजाओं के रिजल्टेंट को सूचित करता है, यानी इसके जोगफल को सूचित करता है। तो मान लीजिए अगर इसका नाम हम देते हैं वेक्टर आर, तो पैरेललोग्राम लॉ से क्या हो जाता है, यानी वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। यानी यदि कोई दो सदिश, यदि कोई दो कोइनिशियल वेक्टर सह आदिम सदिश किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजा को बताता है तो इसी बिंदु से निकलने वाला जो डायगोनल होता है यह डायगोनल इस दो जो दो सदिश जो दिए गए हैं ये दोनों सदिश के रिजल्टेंट को सूचित करता है, यानी इसके जोगफल को सूचित करता है, अर्थात वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कल हम लोग बोले थे कि कैसे समानांतर चतुर्भुज जो है त्रिभुज नियम का भी पालन करता है, तो उसके लिए यदि हम चर्चा करें आपसे कि इन ट्रेंगल ओ ए सी, ओ ए सी सिर्फ नीचे वाला त्रिभुज देखिए, नीचे वाला, तो नीचे वाला त्रिभुज में ओ ए सी, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसको हम ट्रेंगल लॉ से देखें तो देख रहे हैं कि यह दो साइड है जो एक ही ऑर्डर में है, और तीसरा साइड क्या है रिवर्स ऑर्डर में है, तो निश्चित ट्रायंगल लॉ लगेगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं वेक्टर OC बराबर वेक्टर OA प्लस वेक्टर AC, तो वेक्टर OC यानी वेक्टर R बराबर वेक्टर OA यानी वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो देखिए तो इस नियम का भी पालन कर दिया। अब यदि हम ऊपर वाला त्रिभुज देखें, ऊपर वाला त्रिभुज देखिएगा, इन ट्रायंगल ओबीसी, ओबीसी फिगर देखिएगा ओबीसी, इसमें देखिए तो यह एक साइड दिख रहा है, यह साइड दिख रहा है, दोनों सेम ऑर्डर में है, यह यहां से ऐसे आया, यह यहां से ऐसे आया, और यह क्या है अपोजिट है, इसका ऑर्डर क्या है रिवर्स ऑर्डर है, इसको कैसे लिखेंगे OC बराबर वेक्टर OC बराबर क्या लिखेंगे OB
प्लस बीसी यानी वेक्टर ओबी प्लस वेक्टर बीसी। तो वेक्टर ओसी कहने का मतलब है वेक्टर आर बराबर ओबी, तो ओबी कहने का मतलब है वेक्टर बी, और बीसी कहने का मतलब है वेक्टर ए। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए तो क्या पैरेललोग्राम लॉ ट्रायंगल लॉ का पालन नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो यही बात कल हम लोग पढ़े थे, यह दोबारा इसलिए चर्चा कर दिया है किसी भी बच्चे को कहीं कोई डाउट होगा उस चीज को फिर एक बार देख लेंगे। और आप थोड़ा सा भी घबराइए मत, थोड़ा सा आप यह समझिए आप स्टूडेंट है और हर एक बात आपको जानना है समझना है। आप नेता टाइप के विद्यार्थी बनने का प्रयास न कीजिए, उससे आपको दीर्घकालिक घाटा होते जाएगा। आपका काम है कि हर एक बात जो यहाँ बताया जाता है उस बात को सुनिए और बनाइए, सिलेबस को पूरा करना, उसको फाइनल कराना, उसको दोहराना तेहराना, वो हम लोग की जिम्मेदारी है। आपका काम है कि जो यहाँ आपको दिया जाता है उस काम को ऑनेस्टी के साथ कीजिए और अपना जो ब्रेन है उस ब्रेन को मैथ में लगाइए, फिजिक्स में लगाइए, उसको दुनियादारी में नहीं लगाइए, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे ही नेतागिरी करते रह जाइएगा। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि हर एक बात जो हर एक वीडियो में बताया जाता है उन चीजों को सीखें। और यदि बहुत आप इंटेलिजेंट है तो कलम से इंटेलिजेंसी का जवाब दीजिए, मार्क से इंटेलिजेंसी का जवाब दीजिए। ये तो बहुत ऐसे तेज तेजार इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं खुद को इतना ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, हम जो सोच रहे हैं वहीं से या बाद में जब रिजल्ट आता है तो उनसे एवरेज बच्चे काफी अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाते हैं। इसलिए आप यदि बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प माइंडेड है, तो आप सिर्फ हर एक बताए हुए बात को पढ़िए। आपके पास पर्याप्त सिलेबस है मैटर को पढ़ने के लिए, आपके पास समय ही नहीं बचेगा कोई बात सोचने के लिए। इसलिए आप हर एक बात हर एक मैटर को बारीकी से पढ़ें और यह टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में यह चलना चाहिए कि हमको मैथमेटिक्स में आईएससी का मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और उसमें हमको 100 में 100 मार्क्स लेकर के आना है। बस इतना सोचिए, बाकी यह सिलेबस पूरा करना यह हम लोग की जिम्मेदारी है, यह आपको नहीं सोचना है, यह हम लोग की जिम्मेदारी है। और यहाँ पर जो विशेषकर मेरे क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चा है वो भी निराश नहीं होगा, उसके लिए भी एक बात को दो बार तीन बार, ताकि वो पहली बार में नहीं समझे दूसरी बार में समझेगा, तीसरी बार में समझेगा, हर एक बात उसका क्लियर होते जाए और उस पर उस आधार पर सवाल बनाए। क्योंकि अभी तक यही चीज है कि एक एवरेज बच्चे हर बात सुनते हैं बनाते हैं और वही अभी तक का इतिहास है कि वही बात में टॉप करते हैं, इसलिए उन बच्चों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप हर एक बात को बारीकी से देखें समझें और बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स मीन्स प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप स्ट्रांग बनेंगे। इसलिए आप अपने पॉइंट पर फोकस कीजिए, अपना सारा एनर्जी जो है अपने सिलेबस पर लगाइए, हर एक सिलेबस को पूरा करना, उसको बनाना पढ़ाना वो हम लोग की जिम्मेदारी है। आप इतना निश्चिंत रहिए कि आपकी केसी सिन्हा बुक भी संपूर्ण पढ़ाई होगा और आपके एनसीईआरटी बुक भी संपूर्ण पढ़ाई होगा। जैसे एप्स आ जाएगा तो हम लोग इसको यह बताने हैं तो थोड़ा और स्पीड बढ़ा देंगे लोग, लेकिन जब तक अभी एप्स नहीं आता है, जब तक ऐसे वीडियो डाउनलोड करके आपको डाला जाता है, तब तक आप जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसके पीछे कुछ राज है, कुछ ऐसी बातें हैं। इसलिए आप उन चीज़ों को ग्रहण करें, उन चीज़ों को पढ़ें और प्रयास करें कि जो मैटर यहाँ से समाप्त हो जाता है उस मैटर को कहीं से कुछ भी पूछा जाए तो उसमें आपको डाउट नहीं हो। फिर एप्स जैसे आ जाएंगे तो हम लोग थोड़ा सा इस चीज को और प्रयास करेंगे, तब तक बच्चे भी आदि हो गए रहेंगे सवाल बनाने का, क्वेश्चन बनाने का उनको भी आदि हो गया रहेगा कि हाँ अब हमको पढ़ना है बनाना है। तो धीरे 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 आप लोग जो है जब आपको स्पीड बढ़ाया जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप अभी हर एक बात जो बताया जाता है उस पर फोकस कीजिए और सिर्फ टारगेट यह रखिए कि इस कोरोना काल में भी हमको अपने आप को यूनिक साबित करना है। अगर आप बहुत बेस्ट है तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, खुद को साबित करना है। साबित है आपका मार्क्स साबित करेगा, आपका नॉलेज साबित करेगा। इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के, कूल होकर के और सिर्फ सोचिए तो अपने पॉइंट के विषय में, हर एक बात जो पढ़ाया जाता है उस पर काम कीजिए, वर्क कीजिए, निश्चित रिजल्ट होगा। जो बच्चे अपने पॉइंट से हटकर एक्स्ट्रा इधर उधर ऑल बल दिमाग लगाते हैं उनको तो छड़ी खूब मजा आता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो एवरेज बच्चे वहाँ लड्डू खाते रहते हैं, प्रसादी मिठाई खाते रहते हैं और वह वहाँ पर घर बंद करके रोते रहते हैं। यह एक बेसिक डिफरेंस और हर साल 3,000-4,000 बच्चों पर काम किया गया एक बहुत बड़ा जो है यह एक्सपीरियंस, यह एक अनुभव है। इसलिए थोड़ा सा जो है इन चीजों को जो है विशेष फोकस जो है आप इस काम पर दीजिए।
कनेक्टेड। बाकी जो है आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है, स्थिति सदिश क्या है, उसके विषय में जो हम लोग चर्चा करेंगे। स्थिति सदिश क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, यह कल हम लोग ये सारा चीज चर्चा किए थे। आप फिर एक बार इन चीजों को देखिएगा, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ में कुछ और चीज है क्या है, जैसे हम लोग नॉर्मल तौर पर जो सोच सकते हैं कुछ इसका प्रॉपर्टी क्या है, जैसे हम कहें कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे यदि यहाँ से कहें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा, वेक्टर बी प्लस ए, दोनों सेम बात होगा। अगर आपको ऐसे कहें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, तो यह किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस बी एक साथ जोड़ दो और सी को अलग कर दो। उसके बाद हम लोग पढ़े थे एडिटिव आइडेंटिटी, यानी मान लीजिए एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब, यदि वेक्टर ए है और उसमें वेक्टर जीरो जोड़ेंगे या जीरो वेक्टर में कोई वेक्टर ए जोड़ेंगे तो क्या इस वेक्टर में कोई भी परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यह बराबर क्या आ जाएगा, वेक्टर ए। फिर अगर हम लोग चर्चा करें कि अगर कोई वेक्टर ए है, एडिटिव इनवर्स के विषय में चर्चा करें, यदि कोई वेक्टर ए है और इसी में इसके माइनस वेक्टर ए को ऐड करें या माइनस वेक्टर ए है उसमें प्लस वेक्टर ए ऐड करें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। इस सब चीज को जो कंक्लूजन निकल सकता है, याद करने वाली चीज नहीं है कि यह प्रॉपर्टी है, गुण है, कुछ नहीं है। नॉर्मल तरीका से भाई हम यहाँ पर अगर जोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग जोड़ रहे हैं जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर दिया गया है टू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस बी बराबर क्या होगा, यानी जोड़ दीजिए टू आई में एक आई जोड़िएगा क्या होगा, थ्री आई प्लस थ्री जे और प्लस टू के। अब एक बात बताइए कि यह ए प्लस बी का वैल्यू हो गया, यदि हम लोग निकाले बी प्लस ए यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए तो क्या दूसरा चीज आ जाएगा जी, सेम चीज आएगा थ्री आई थ्री जे प्लस टू के। उसी तरह मान लो कोई तीन को वेक्टर रहे, ए रहे वेक्टर बी रहे सी रहे, तो पहले बी या सी को जोड़ दो और जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट में ए को जोड़ो, या पहले ए या बी को जोड़ो और जो रिजल्ट आए उसमें सी को जोड़ो, तो दोनों वैल्यू क्या होगा, एलएचएस में जो डाटा आएगा वही डाटा क्या आएगा, इसके आरएचएस में भी आएगा। फिर यदि कोई वेक्टर ए है और उसमें जीरो वेक्टर जोड़िए या कोई जीरो वेक्टर उसमें ए वेक्टर जोड़िए तो क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या मिलेगा हमको, ए वेक्टर मिलेगा। फिर यदि इनवर्स निकालना है कोई वेक्टर ए है और निगेटिव में, जैसे मान लीजिए यह वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो अगर हम मान लीजिए चर्चा करते हैं आपको कि यहां वेक्टर है आई कैप प्लस फाइव जे कैप और प्लस के कैप और वेक्टर बी बराबर दिया गया है वेक्टर ए बराबर दिया गया है माइनस आई कैप प्लस माइनस फाइव जे और माइनस के कैप, यानी ए है लेकिन क्या चीज, अगर यहां से हम लोग कॉमन करते हैं तो माइनस कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा जी, आई कैप और प्लस फाइव जे कैप और प्लस के कैप, तो यह किसका वैल्यू हो गया, यानी वेक्टर ए बराबर माइनस वन वेक्टर ए, यानी यह माइनस वन हो गया तो पूरा के बदले यानी माइनस ए, यानी यह एक वेक्टर है, इसी वेक्टर का जब निगेटिव वेक्टर आ जाए दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों चीज को जब जोड़ेंगे यानी अगर दोनों को जोड़ते हैं वेक्टर ए और प्लस माइनस वेक्टर ए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। तो यह सब चीज किताब जब आप पढ़िएगा तो प्रॉपर्टी में मिलेगा, लेकिन इसको कुछ आपको इतना लंबा चीज नहीं समझना, कॉमन सेंस जो सोच सकते हैं क्या सोच सकते हैं, ए और बी जोड़िए या बी प्लस ए जोड़िए, सेम बात होगा, यही हो गया कम्यूटेटिव लॉ। ए को बी सी को एक साथ जोड़िए जो आएगा उसमें ए जोड़िए, या ए बी को एक साथ जोड़िए जो आएगा उसमें सी जोड़िए, सेम रिजल्ट होगा। फिर यहां पर वेक्टर ए में जीरो वेक्टर जोड़िए या जीरो में ए वेक्टर जोड़िए, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ए ही मिलेगा।
और कोई वेक्टर ए दिया गया उसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर आ जाए, सेम चीज, ए वेक्टर है उसका निगेटिव आ जाए माइनस ए, बी वेक्टर है उसका निगेटिव है माइनस वेक्टर बी, ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो वेक्टर। तो इस तरह से जो है यह था आपका पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब हम लोग हेडिंग देंगे पोजिशन वेक्टर स्थिति सदिश, हेडिंग दीजिएगा आप लोग पोजिशन वेक्टर स्थिति सदिश। स्थिति सदिश जो है वो पूरे वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। देखिएगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। क्या है स्थिति सदिश, देखिएगा नामी से मालूम चलता है कि आम हम लोग हालचाल किसी का पूछता है, मतलब उसका स्थिति क्या है, उसका हालचाल क्या है, यानी स्थिति कहने का मतलब उसका मतलब सिचुएशन क्या है, वो किस पॉइंट पर है, उसका क्या हालचाल है, हम लोग उसका क्या हालचाल है जी, आपका क्या स्थिति है, मतलब वो अभी उसका प्रेजेंट का जो सिनारियो है, प्रेजेंट का उसका सिचुएशन है वह कैसा है, ऐसा हम लोग दैनिक जीवन में पूछते हैं। अब यहाँ हम लोग वेक्टर के लिए पूछते हैं, तो पोजीशन वेक्टर कहने का मतलब है कि किसी भी सदिश पर जब हम लोग बात करते हैं तो किसी बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यह कहते हैं कि यह जो है, मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं कि यह चौक जो है, यह चौक इस चौक की अपेक्षा बड़ा है, तो जब हम इसको तुलना किए कि इसके अपेक्षा ही बड़ा है, ये बड़ा है, बड़ा चौक है, लेकिन जैसे तुलना किए कि मार्कर जो है मार्कर से यह छोटा है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि किसी चीज की जब किसी चीज से तुलना करते हैं तुलनात्मक चीज में कि कहां से इसकी स्थिति, किस पॉइंट से, किस बिंदु से इसकी स्थिति कहां है, जब तक हम किसी चीज की तुलना नहीं करते हैं, उसका ओरिजिन नहीं रखेंगे, हम उसके विषय में कोई पार्टिकुलर चीज नहीं आंकड़ा दे सकते हैं। तो यहां पर स्थिति सदिश पोजिशन वेक्टर कहने का मतलब है कि अगर कोई वेक्टर है, कोई सदिश है, तो आखिर उसका स्थिति क्या है, अगर वह मान लीजिए कि किसी बिंदु पर है तो किसके सापेक्ष में है, उसका कहीं ना कहीं तो ओरिजिन होना चाहिए, किसी बिंदु के सापेक्ष में होना चाहिए, जे कहां से वह कितना डिस्टेंस पर जा रहा है, कहां से उसका डायरेक्शन क्या है, यानी किसी वेक्टर की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, उसके विषय में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा बारीकी से इसको देखिएगा, यह पॉइंट बहुत 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 और बोलो बहुत यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां हम लोग देखते हैं कि बारीकी से यहां देखिएगा, यह जो है ओ है, ए है और बी है, ठीक है। मान लीजिए इसको देते हैं वेक्टर ए, इसको देते हैं वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। आपको एक बात तो जरूरी है, फिगर देख करके दिखाई दे रहा होगा कि इसमें ट्रायंगल लॉ जरूर लग जाएगा, त्रिभुज का जो योग नियम हम लोग पढ़े थे वह जरूर लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का योग नियम क्या बताता था कि यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजा को सूचित करता हो, यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजा को सूचित करता हो और वह सेम सेंस में हो, क्या हो, उसका ऑर्डर सेम हो, तब जो तीसरा साइड होता है वही दोनों के योगफल को रिप्रेजेंट करता है और तीसरा साइड का ऑर्डर इसके ऑर्डर के क्या होता है, विपरीत होता है। तो इतना देख करके आपके दिमाग में जरूर बैठ गया होगा कि यहां से ट्रायंगल लॉ का यूज जरूर हो सकता है।
अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर यह पॉइंट बी है और यह पॉइंट ए है, तो किसके सापेक्ष में है इसकी स्थिति, किसके सापेक्ष में है, तो ओ के सापेक्ष में इसकी स्थिति है, यानी उसकी ओरिजिन क्या है, ओ है। अब देखिएगा यहां से कि बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यानी त्रिभुज के योग नियम से, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन त्रिभुज के योग नियम से क्या लिखेंगे जी, त्रिभुज के योग नियम से यानी जो तीसरा जो साइड है या तीसरा जो साइड है दोनों को क्या बताता है, इसके जोगफल को बताता है, तो लिखेंगे यानी वेक्टर ओबी बराबर वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एबी। अरे यही ना होगा जी, ट्रायंगल लॉ से देखो तो क्या होगा, वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एबी बराबर वेक्टर ओबी। तो क्या इस पूरी बात को ऐसे लिख सकते हैं जी कि वेक्टर एबी बराबर वेक्टर ओबी माइनस वेक्टर ओए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखकर बताओ तो, या ओए इधर आया तो क्या हो गया माइनस में, यानी वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी या माइनस वेक्टर ओए। यह ओ बी कहने का क्या मतलब है, यानी ओ बी बता रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओ बी का क्या मतलब है कि यह ओ बी कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसका पोजीशन किस से, यानी ओ से, ओरिजिन से, मूल बिंदु से। ओए कहने का क्या मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी एक स्थिति क्या है, एक स्थिति क्या है, तो ओए कहने का मतलब है कि इसका हम लोग स्थिति की तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ओ से। तो इस ओबी को क्या पढ़ते हैं, इस ओबी को पढ़ेंगे पोजीशन, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस माइनस ओए को क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी इसको पढ़ेंगे पोजीशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी वेक्टर ओबी को क्या लिखेंगे, वेक्टर ओबी माइनस वेक्टर ओए। ओबी को क्या पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ओए को क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बराबर बराबर। अरे विद्यार्थी क्या ओबी के बदले, ओबी के बदले आप स्मॉल बी लिख सकते हैं, हेलो बोलिए नहीं रहा है सब, ओबी के बदले क्या हम लोग स्मॉल बी लिख सकते हैं, निश्चित लिख सकते हैं, क्योंकि ओबी का वैल्यू कितना दिया गया है जी, ओबी यानी वेक्टर ओबी। अब यहां से आप देखिएगा वेक्टर ओबी माइनस वेक्टर ओए, तो ओबी को जो है यह पूरा इसका रिजल्टेंट है, मान लीजिए इसका नाम कोई और, बी तो यहां दे दिए, कोई और नाम इसका दे देते हैं वेक्टर आर, तो अब यहां देखिएगा कि वेक्टर ओबी माइनस वेक्टर ओए, यानी ओबी कहने का मतलब है, ओबी कहने का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ओए कहने का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी अगर ओबी को हम लोग ऐसे नाम देते हैं कि यहां पर यह है ओ और ओए जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है, मान लीजिए इसका नाम ए देते हैं और यह कोई नाम सी है, तो ओबी के बदले क्या लिखेंगे, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, यानी ओबी के बदले वेक्टर बी और ओए के बदले वेक्टर ए। तो अगर इसी प्रकार हम आपसे पूछें कि वेक्टर सी डी, तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर सी डी को क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे इस बेस पर देखकर बताओ तो, जब वेक्टर ए बी था तो वेक्टर ए बी को लिखे थे ओ बी, यानी पोजीशन वेक्टर बी का किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में, तो इसको लिखे थे ओ बी माइनस ओए, तो यहां पर सीडी को क्या लिखेंगे,
ओडी आ माइनस ओसी, यही ना लिखेंगे जी। वेक्टर सीडी को पोजीशन वेक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे, वेक्टर ओडी आ माइनस वेक्टर ओसी, या वेक्टर सीडी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसी का स्मॉल लेटर में। स्मॉल लेटर कहने का क्या मतलब है कि स्मॉल डी अब माइनस स्मॉल सी, यही नया आया था जी। वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, या बी तो बी का स्मॉल लेटर में छोटा वाला बी या माइनस ए। इसका मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, इसको क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। उसी प्रकार यदि आपसे हम कहें एम सी तो इसको क्या लिखेंगे जी, यानी पोजीशन वेक्टर के रूप में क्या लिखेंगे, यानी वेक्टर ओसी माइनस वेक्टर ओएम, वेक्टर ओसी माइनस वेक्टर ओएम क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, क्या पढ़ेंगे जी वेक्टर एमसी को, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। तो आपको अब यह बात क्लियर हो गया होगा कि यहां से हम लोग जब ड्राइव किए हैं तो मिला है ट्रायंगल लॉ से वेक्टर ओबी बराबर वेक्टर ओए प्लस वेक्टर एबी। तो वेक्टर एबी बराबर यह जो प्लस में ओए था इधर आया तो माइनस में हो गया, तो यह हो गया वेक्टर एबी बराबर वेक्टर ओबी माइनस वेक्टर ओए। इस ओबी को पढ़ते हैं, इस ओबी का नाम क्या है, ओबी का मतलब क्या हुआ, इस ओबी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। उसी प्रकार ओए को क्या पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, आप यह देख रहे हैं कि एबी जब दिया है तो यहां से निष्कर्ष आया ओबी माइनस ओए, या इसी का स्मॉल लेटर में लिख दीजिए छोटा वाला बी माइनस छोटा वाला ए। उसी प्रकार तो जब इसी बेस पर जो यह आया है, इस बेस पर वेक्टर सीडी का पोजीशन वेक्टर निकालना हो, पोजीशन वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना हो, वेक्टर सीडी निकालना हो, जैसे मान लीजिए यहां से वेक्टर एबी निकालना था, एबी निकालना था तो हम लोग क्या निकाले, वेक्टर ओए में से, यानी वेक्टर जो ओबी है ओबी, इस ओबी में से क्या माइनस हुआ ओए, तब मिला वेक्टर एबी। उसी प्रकार यानी एबी मिला तो एबी कैसे मिला, इस ओ के सापेक्ष में मिला। सिमिलरली जब वेक्टर सीडी दिया रहेगा तो वेक्टर सीडी को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। उसी प्रकार जब वेक्टर एमसी दिया हुआ है तो वेक्टर एमसी को क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। तो अगर आपसे हम कुछ और डाटा दे करके पूछे तो आई होप कि आप इसको बता दीजिएगा। यह पोजीशन वेक्टर जो है वह बहुत 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 और बहुत और भी बहुत और कुछ ज्यादा ही बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिएगा कुछ और हम आपको बात देते हैं, जैसे यहां से लिखे हम वेक्टर पी क्यू निकालना हो तो वेक्टर पी क्यू कैसे निकालेंगे, यह एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वेक्टर पी क्यू, तो वेक्टर पी क्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी। इसको क्या पढ़ेंगे जी, क्या पढ़ेंगे, यानी इसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या चीज, ओ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी, या इसी को या वेक्टर पी क्यू को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिखिए छोटा वाला क्यू माइनस छोटा वाला पी, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। सिमिलरली यदि आपसे कहा जाए एमडी वेक्टर, एमडी माने एमडी वेक्टर निकालना है, कोई डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एमडी निकालना है तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे वेक्टर ओडी, ओडी
माइनस वेक्टर ओएम, यानी ओडी कहने का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। समझ पा रहे होंगे आप। फिर यदि आपसे दिया जाए एम एन, यानी आपको कोई वेक्टर एम एन निकालना है, तो एम एन वेक्टर कैसे निकालिएगा, यानी एम एन वेक्टर निकालिएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एन, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। तो कैसे इसको लिखिएगा, यानी ओ एन, ओ एन और माइनस वेक्टर ओ एम, यानी इसका मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। समझ पा रहे हैं आप बात जी, कि पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे निकालेंगे। अब हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, अब उस सवाल में जब हम लोग काम करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। मैथ के लिए आपको थोड़ा सा भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, हर एक बात, हर एक थ्योरी की चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे, एक्सरसाइज के हर एक सवाल का चर्चा करेंगे। मेरा जो 56 नंबर का पोर्शन है उसमें आपको हर एक बात जो है आपको क्लासरूम में ही, जिस वक्त आप लेक्चर सुनते रहिएगा उस वक्त ही आपका क्लियर हो जाएगा। आपको बाकी समय अन्य सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, अन्य सब्जेक्ट पर जो है विशेष रूप से जो है आप काम कीजिए और प्रयास कीजिए कि एवरेज बच्चों का रिजल्ट जो है 90% प्लस हो। आप इस वीडियो को सुनिए, बार बार देखिए, वीडियो देखने के क्रम में ही आपका हर एक एक बात क्लियर हो जाएगा। अब हम कुछ पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे तो और ज्यादा जो है हम लोग का सारा बात जो है वह क्लियर हो जाएगा। लिखिएगा सभी कोई जो है वेक्टर वाला जो बुक है, सभी कोई वह बुक निकाल लीजिए और हम लोग अब कुछ कुछ एक्सरसाइज पर काम करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा सभी विद्यार्थी, यदि P और Q के स्थिति सदिश, यानी क्वेश्चन है कि यदि P और Q के स्थिति सदिश, यदि P और Q के स्थिति सदिश क्रमशः आई कैप प्लस 3J कैप माइनस 7K कैप तथा 5i कैप माइनस 2J कैप प्लस 4K कैप है, तो वेक्टर PQ निकालें, ऐ विद्यार्थी सब, अब जो आप पढ़े हैं उसको जवाब देने का समय आ गया कि यदि P और Q के स्थिति सदिश क्रमशः इतना तथा इतना है तो वेक्टर PQ निकालें। यानी आपको P का स्थिति सदिश इतना दिया हुआ, यानी यह P का स्थिति सदिश है और यह Q का स्थिति सदिश है, तो P के स्थिति सदिश को क्या लिखते हैं जी, दिमाग में है कुछ? अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो थोड़ा रफ में देखिएगा कि यहां पर वेक्टर AB को लिखते थे OB और माइनस OA, यही ना लिखते थे जी? तो B को क्या पढ़ते थे, OB को क्या पढ़ते थे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B, इसका मतलब कि B के स्थिति सदिश को लिखते हैं OB,
ए के स्थिति सदिश को लिखते हैं ओ ए, एम के स्थिति सदिश को लिखेंगे ओ एम। वॉल्यूम और इंक्रीज कर, एन के स्थिति सदिश को लिखेंगे वेक्टर ओ एन, एम के स्थिति सदिश को लिखेंगे वेक्टर ओ एन। तो यहां कह रहा है पी का स्थिति सदिश, ए विद्यार्थी सब बी का जो स्थिति सदिश है, बी के स्थिति सदिश को ओबी लिखते हैं, पी के स्थिति सदिश को ओपी लिखते हैं, एम के स्थिति सदिश को ओएम लिखते हैं, एन के स्थिति सदिश को ओएन लिखते हैं, क्यू के स्थिति सदिश को ओक्यू लिखते हैं। तो बताओ, तो यहां कह रहा है पी का स्थिति सदिश और क्यू का स्थिति सदिश, तो पी के स्थिति सदिश को क्या लिखेंगे सोचो। तो तुमको नहीं कह रहे हैं, तुम तो सोचिए लिया, 1% जो बाकी है उसका हम जवाब सुनना चाह रहे हैं। अभी 5 बाकी है। हाँ गुड, यानी क्या बोलेंगे इसको, यानी पी के स्थिति सदिश को क्या बोलेंगे, ओपी। तो यहां लिखेंगे वेक्टर ओपी, तो वेक्टर ओपी बराबर कितना दिया गया है जी, आई का प्लस 3J का माइनस 7K का, यही ना है जी, आई कैप प्लस 3J कैप माइनस 7K कैप। तो ये हो गया ओपी का स्थिति सदिश। अगर हम आपसे कहें कि क्यू के स्थिति सदिश, तो क्यू के स्थिति सदिश को क्या लिखेंगे जी, ओ क्यू। बंद हो गया, यानी क्यू के स्थिति सदिश को क्या लिखेंगे हम लोग, ओ क्यू। तो ओ क्यू बराबर कितना दिया गया है, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। इतना तो आप समझ गए होंगे कि कह रहा है पी और क्यू के स्थिति सदिश क्रमशः, क्रमशः का क्या मतलब हुआ, रेस्पेक्टिवली, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि पहले वाला का वैल्यू है, सेकंड वाला का वैल्यू है। तो यह है पी का स्थिति सदिश, तो पी के स्थिति सदिश को क्या लिखेंगे, वेक्टर ओपी, और क्यू के स्थिति सदिश को क्या लिखेंगे, वेक्टर ओक्यू। समझ में आ रहा है जितना। अब आइए हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है वेक्टर पी क्यू। है विद्यार्थी सब, हमको निकालना है वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू निकालेंगे कैसे, क्या अभी हम लोग रिजल्ट देखे हैं, तो वेक्टर पी क्यू बराबर लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। इसको क्या पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को शॉर्ट में वेक्टर ओपी, यानी ओ क्यू माइनस ओपी। तो ओ क्यू का वैल्यू कितना है जी, तो ओ क्यू का वैल्यू है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, यही ना है जी। अब आ जाइए, यह हो गया किसका वैल्यू, ओ क्यू का वैल्यू माइनस ओपी का वैल्यू। तो ओपी का वैल्यू कितना है, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 7k कैप। अब इसको घटा दीजिए, सोल्व कर दीजिए, तो कैलकुलेशन हो जाएगा जी, कैलकुलेशन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहां 5i कैप, इसमें से माइनस इसमें गुना हो जाएगा सब में, तो ये हो गया माइनस i कैप। तो 5i में से 1i चला गया, तो कितना i हो गया जी, 5i में से 1i चला गया तो कितना है, यानी कोई और i जी, 4i, कितना i जी, 4i, यानी 5i में से 1i खत्म हो गया, था कितना आई, 4i। अब आइए माइनस 2j, आई माइनस से इसमें गुना करेंगे तो ये हो गया माइनस 3j, तो माइनस 2j या माइनस 3j, कितना जे हो गया, यानी माइनस 5j। अब आ जाइए यहां पर प्लस 4k है, आई माइनस से इसमें गुना होगा तो माइनस प्लस, यानी प्लस 7k, आ यहां पर 4k है तो 7 4 11k, तो ये हो गया प्लस 11 यानी 11k, दिख रहा है नीचे दिख रहा है, यानी ये किसका वैल्यू हो गया, वेक्टर पी क्यू।
यही ना जी, यानी यह जो डाटा हो गया यह हो गया PQ का वैल्यू। तब PQ अभी कैलकुलेशन चेक आप चेक कर लीजिएगा, इसमें कुछ इंप्रूव करना हो तो देख लीजिएगा, अगर सेम रखना हो तो सेम रहेगा, कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा। तो यह आपका क्वेश्चन था कि अगर P का स्थिति सदिश दिया है तो OP, Q का स्थिति सदिश दिया है तो OQ, आपको निकालना था वेक्टर PQ, आपको निकालना था वेक्टर PQ, तो वेक्टर PQ बराबर क्या लिखिएगा, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। क्या आप इस तरह से क्वेश्चन दिए जाए तो बन जाएंगे। फिर हम आपसे रिपीट करते हैं कि आप थोड़ा सा भी ना घबराए, हर एक एक बात रोज आपको एक एक पॉइंट बढ़ते जाएगा, दो दो पॉइंट बढ़ते जाएगा, आप खाली बताए हुए बात को पूरा कंठस्थ करते चलिए, उसको क्लियर करते चलिए, एक समय आएगा कि आपके पास दो दो पॉइंट करके इतने सारे पॉइंट हो जाएंगे कि आपको उन चीजों को बार बार रिविजन करने में काफी परेशानी क्रिएट होता है। इसलिए जो भी मैटर हम लोग के पास है, जो भी आप जान रहे हैं, उसको इतना ज्यादा बार पढ़िए कि अब डायरेक्ट एग्जाम में भी आपको फेस करना पड़े तो आपको परेशानी नहीं हो, इसी समय इतना ज्यादा बार रिपीट हो जाए कि इतना जो 55-56 नंबर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट अपडेट हो जाए। इसलिए आज के बाद अब आपको जब भी पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए दिया जाएगा तो आई होप कि आप निश्चित तौर पर पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिएगा। अब हम कुछ सवाल देते हैं और उस सवाल को जो है आप थोड़ा करके दिखाइए। बोले जी, ABCD के स्थिति सदिश क्रमशः लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, लिख दे बोर्ड पर, लिख देते हैं इसको, सवाल को आप देख करके मत बनाइएगा, सवाल लिख लीजिएगा और जो आप समझे हैं उसके आधार पर बनाइएगा। एक और क्वेश्चन इस पर करा देते हैं, फिर आगे कल हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है यदि ABCD, यानी क्वेश्चन है ABCD के स्थिति सदिश, के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश का मतलब पोजीशन वेक्टर, के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्रमशः, स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर ए वेक्टर बी, 2a+3b, 2 वेक्टर a+3 वेक्टर b तथा वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर b है, यह क्वेश्चन है। तो हमको दिखाना है, दिखाएं कि वेक्टर डी बी बराबर 3 वेक्टर b, 3 वेक्टर b माइनस वेक्टर ए एंड वेक्टर ए सी बराबर वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर b, यही आपको शो करना है। तो आपको ABCD का स्थिति सदिश दिया गया है विद्यार्थी सब, आपको ABCD का स्थिति सदिश दिया गया, तो ए के स्थिति सदिश को क्या लिखिएगा, OA लिखिएगा ना, बी के स्थिति सदिश को क्या लिखिएगा, OB, और सी के स्थिति सदिश को क्या लिखिएगा, OC, और डी के स्थिति सदिश को क्या लिखिएगा, नीचे लिख देते हैं, डी के स्थिति सदिश को क्या लिखिएगा, आ जाइए OD। तो ए का स्थिति सदिश दिया गया है वेक्टर ए, बी का स्थिति सदिश दिया गया है वेक्टर बी, सी का स्थिति सदिश दिया गया है 2 वेक्टर ए
प्लस थ्री वेक्टर बी, और डी का स्थिति सदिश दिया गया है वेक्टर ए माइनस टू वेक्टर बी। यह है आपका दिया गया क्वेश्चन, यह है आपका दिया गया प्रश्न कि ए के पोजीशन वेक्टर दिया गया, ए का पोजीशन वेक्टर यह, बी का यह, सी का यह, डी का यह। इसका मतलब है ए का पोजीशन वेक्टर यानी ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर यानी ओ बी, सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी, और डी का पोजीशन वेक्टर ओ डी। अब आइए हमको सिद्ध क्या करना है कि वेक्टर डी बी बराबर इतना, यही ना सिद्ध करना है। आइए डीबी निकाला जाए। डीबी निकालने का क्या तरीका है जी? तो आप जानते हैं कि वेक्टर डीबी बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यही ना लिखते हैं। तो इसको लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अरे विद्यार्थी सब, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी का वैल्यू कितना है देख के बताइए। तो बी है, यहां लिखिए बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डी का वैल्यू कितना है जी? वेक्टर ए, वेक्टर ए आ माइनस वेक्टर टू बी, यही है जी। अब आ जाइए, तो अगर यही है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यह हो गया वेक्टर बी, आई हो गया माइनस वेक्टर ए, माइनस से गुना हो जाएगा, आई हो गया माइनस माइनस टू बी बराबर। तो देखो तो टू बी और एक बी मिलके कई गो बी हो गया, तीन गो बी, तो यहां हो गया थ्री वेक्टर बी आ माइनस वेक्टर ए। तो देखिए तो क्या डीबी बराबर यही प्रूव करना था, hence वेक्टर डीबी बराबर क्या आ गया जी, थ्री वेक्टर बी और माइनस वेक्टर ए, यही प्रूफ करना था। तो क्या इस आधार पर आप वेक्टर एसी नहीं प्रूफ कर सकते हैं? अरे विद्यार्थी सब, क्या वेक्टर एसी हम लोग इसी बेस पर नहीं प्रूफ कर सकते हैं? क्या लिखेंगे वेक्टर एसी को, बोलिए तो, वेक्टर एसी को क्या लिखेंगे? तो वेक्टर एसी बराबर लिखेंगे, वेक्टर एसी बराबर लिखेंगे वेक्टर ओसी, वेक्टर ओसी माइनस माइनस वेक्टर ओए। ओसी कहने का क्या मतलब है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही ना। तो क्या यहां से हम लोग वेक्टर ए सी नहीं निकाल सकते हैं? तो सी का पोजीशन वेक्टर दिया है टू ए प्लस थ्री बी, क्या दिया गया है टू ए प्लस थ्री बी आ माइनस ओए का पोजीशन वेक्टर कितना दिया गया है जी, वेक्टर ए। तो इसको पूरा सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, टू ए में से एक ओए जाएगा तो कितना हो जाएगा ए, यानी वेक्टर ए प्लस थ्री वेक्टर बी, यानी वेक्टर एसी बराबर क्या हो गया, नहीं दिख रहा होगा तो सुनिएगा, वेक्टर एसी बराबर वेक्टर ए प्लस थ्री वेक्टर बी, क्योंकि ओसी का सी का पोजीशन वेक्टर है टू ए प्लस थ्री बी माइनस ओए का पोजीशन वेक्टर ए है, तो टू ए में से ए को ए गया तो ए बचा, आई हो गया थ्री बी, तो दोनों प्रूफ हो गया। तो आई होप कि पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड जो भी अब क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। आज आपका होमवर्क है कि अभी तक 10-11 लेक्चर में जो भी बात आप पढ़े हैं, जो भी एक एक बात रोज नए बात हम लोग जो सीख रहे हैं, उन बातों को एक अच्छा कॉपी बना करके हर एक बात को नोट कीजिए, एक्सरसाइज का सवाल बनाइए, और 10-11 लेक्चर जो भी अभी तक हुए हैं उनको पूरा एक बार रिविजन कर लीजिए। कल हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं। कोरोना में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, थोड़ा सा असावधानी जो है, असावधानी थोड़ा सा वो बहुत घातक हो सकता है, आप अपने घर में रहिए, और मैक्सिमम जो समय है वह समय जो है आप अपने पढ़ाई में इंगेज कीजिए। अब आपके पास बहुत समय नहीं है, आप जितना अपने आप को झोंक सकती हो, आपके अंदर जितनी एनर्जी है, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो एनर्जी है, आपके अंदर जो भी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए, उस ऊर्जा को कभी भी इधर उधर की बातों में, इधर उधर के कामों में न लगाइए। एक व्यक्ति के अंदर अनपैरेलल एनर्जी होता है, अनपैरेलल एनर्जी होता है, आप उस एनर्जी को आज से अगर झोंक दीजिए तो गारंटीड है कि एवरेज बच्चों का 80% प्लस मार्क्स होगा। जैसे अब की बार जो रिजल्ट आया है,
300 ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट 85% से ऊपर है। मींस वह ऐसे नहीं आ गया, उन्होंने सब एक एक बात सुनी है, उस बात को किया है मूर्ख बनकर कि सर यह बता रहे हैं इस बात में जरूर कुछ लॉजिक्स होगा, तो वह मूर्ख बनकर किए, तो आज वह सबसे होशियार बने हुए हैं, सबसे मेरिट वाले बने हुए हैं। इसलिए आपके पास समय बहुत कम है, आप अपने हर एक एक पल हर एक एक समय को प्रयास कीजिए कैसे मैथ ज्यादा से ज्यादा बनाए, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, और जो भी आपके पास सोर्स दिए जाते हैं उस सोर्स से आप फायदा उठाने का प्रयास करें। बाकी सिलेबस पूरा करना, मैटर समझाना, दोहराना तहराना, वो कंप्लीट हम लोग की जिम्मेदारी है। आप एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं जहां कभी भी जब आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप यह नहीं फील कीजिएगा कि हम हमारे साथ धोखा हो गया। कारण कि यह इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ उसी विद्यार्थी से चलता है जो एक बार पढ़ के यहां से चले जाते हैं, उन्हीं के भाई बहन यहाँ पढ़ते हैं। इसलिए सिलेबस पूरा करना, मैटर पूरा करना, वो कंप्लीट हम लोग की जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको थोड़ा भी चिंता नहीं करना, आप अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए। और वह डायरेक्शन क्या होना चाहिए, मैथ ज्यादा से ज्यादा मैथ बनाओ, फिजिक्स बनाओ, केमिस्ट्री बनाओ, और 5-6 महीना हर एक निगेटिव एक्टिविटी से अपने आप को सेव करके, अपने आप को बंद कमरा में करके, और एक बार अपनी एनर्जी को दिखाओ, एक बार तुम्हारा सर्टिफिकेट बन, निश्चित तौर पर हर जगह जो है तुम प्रशंसनीय होंगे, हर जगह सम्मानित होंगे, और उसका मजा कुछ और है। यकीनन याद रखो, इसमें हार्डवर्क करने में, पढ़ने में, और यह जो काम आप कर रहे हैं उस काम में करने में जितना मजा है, दुनिया के किसी काम में उतना मजा नहीं है। इसलिए आप इन चीजों पर वर्क करें, और इंस्टीट्यूशन हर एक पल आपके साथ है, हर एक स्टेप पर आपके साथ है। आप भरोसा रखिए, आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।